अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज डेली व्लॉग का सातवां दिन है और मैं अभी ऑफिस पहुंच चुका हूँ। आज मैं बाय वॉक तो नहीं आ सका क्योंकि रात को मेरे पाँव में मतलब उंगली कट गई थी काफी, तो मुझे डर था कि भागते हुए दोबारा वो जख्म ना खराब हो जाए। तो इस वजह से मैं बाइक पे आया था। तो अभी हमने एक साइड पे काम करने भी जाना है तो हम चलते हैं साथ में। और मैं बहुत थैंकफुल उन लोगों का जो मेरी वीडियोज को डेली देखते हैं, तो बहुत शुक्रिया। ओके, तो हम अभी लोकेशन में मौजूद हैं लेवल पे, तो आप बैकग्राउंड पे चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा लोग भी हैं यहाँ पे। जय ये उन लोगों को दिया जाता है जो जी। नेवी में होते हैं। तो अभी जो कैमरे वगैरह थे, आप कैमरा देख सकते हैं, पोलो का है और ओलो ये एनालॉग कैमरा है। हमने लगाने हैं तीन कैमरे, रिप्लेस करने हैं, और ये 5 मेगापिक्सल है। आप इतना व्यू चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये इसका व्यू चेक कर सकते हैं। और ये लगना है बिल्कुल हम इस जगह पे, तो मतलब हमने इसे उतारना है और उसकी जगह पे नया कैमरा लगाना है। तो देखते हैं। कैमरे तकरीबन ऑलमोस्ट डिस्प्ले पे शो हो गए हैं। कैमरे बस हैंग करने हैं, तो कर भी रहे हैं आप देख सकते हैं। बस अभी ये स्क्रू टाइट करना है और तकरीबन काम हो गया है। तो अभी इनका कुछ और काम भी है। बाकी आप, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेवल नेवल एंकरेज में। तो आप इस पे बैकग्राउंड पे व्यू चेक कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से ही अंदर एक दो टर्न होता है, ये रवात के बिल्कुल करीब है और ब्लू एरिया से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। तो आप सोसाइटी पीछे देख सकते हैं। और ये हो रहा है काम अच्छा, बीच, फोन और ये चीज़, कभी और ये मुझे हम अक्सर देखते होते हैं बीच पे नारियल टाइप लगे होते हैं, इसका नाम पता? हाँ, तो ये बहुत मतलब अच्छा सा लगता है मुझे। ओके जी, अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो ये रहा डिस्प्ले, और इसके पहले तीन कैमरे हमने चेंज करे, तो टोटल इनके यहाँ 12 कैमरे लगे हैं, आप व्यू चेक कर सकते हैं। ओके जी। तो अगर हम काम की बात करें, तो काम हमारा तकरीबन फुली कंप्लीट हो चुका है और अभी हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। सफर थोड़ा सा है, लंबा ही है, तकरीबन 20 किलोमीटर है, तो इसमें जाते हुए 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट थोड़ी देर में। तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए। ओके जी, अभी हम सोसाइटी में ही हैं। तो हम अक्सर नई सोसाइटी जो होती हैं उनमें देखते हैं। अभी तो तुर्की स्टाइल में ही मस्जिदें हर जगह पे तामीर हो रही हैं। ये थोड़ी सी सोसाइटी पुरानी है, तो इसमें थोड़ा सा जो मस्जिद है ये पुराने डिजाइन में ही बनी हुई है। अब जो नई सोसाइटीज में मस्जिद वगैरह बन रही है वो थोड़ी सी ज्यादा एडवांस, और उन्हें बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है। तो ये भी माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी है, और अभी हम नमाज़े ज़ोहर यहाँ पे अदा करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे अपने वापसी के सफर को।
जी, अभी मैं मौजूद हूँ इस वक्त। मैं अभी ऑफिस गया था वहाँ से, तो फिर हम फैदाबाद के लिए आए थे, तो अभी मैं बस स्टॉप पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रश भी है यहाँ पे, और हमें एक पार्सल करना था तो इसी सिलसिले में आया था। तो मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे तो इतना ज्यादा बारिश वगैरह नहीं है, मतलब यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद में काफी तेज बारिश हो रही थी। मैं काफी भीगा हुआ हूँ व्यू, और इस्लामाबाद में भी अभी हम जाके वहां का व्यू चेक करवाते हैं आपको जी। अगर इसी के बरस अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद के मौसम की, तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और काफी ठंडा सा मौसम है। आप मेरे बैकग्राउंड पे चेक कर सकते हैं इस रिव्यू भी। तो मैं वापिस छत पे आ गया था। यहाँ पे एक चीज बहुत नॉर्मल रहती है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि अभी आज जैसे काफी ठंड भी हो चुकी है, कल बिल्कुल इसके बरस सीन था, मतलब काफी गर्मी थी, कोई 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 कुछ समझ नहीं लगती कि मौसम कल को कैसा होगा। अभी हमें इतना मुझे पता है कि कल का मौसम ना काफी क्लियर होगा। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारी जो हिल्स की पहाड़ी है, वो मतलब जो पहाड़ी है वो सही से क्लियर नहीं आ रही, मतलब कल मौसम बिल्कुल क्लियर होगा। अभी भी मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो अभी जाते हैं हम भी अभी छुट्टी भी का टाइम भी होने वाला है, तकरीबन 4 बज चुके हैं, और मैं तो अभी निकल रहा हूँ कि मुझे शाम को वापिस आना है अफ्तारी के बाद दोबारा से। तो अब व्यू चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड पे। जी वीडियो वाले करना भूल गया था, और अभी मैं वापस आ चुका हूँ घर पर। अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं, और वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। जजाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।